आप हैं पास मैया और पास मैया और सिर पर दुपट्टा डाली बहन रजनीकांत कहां है? आपके छगनलाल जी के पुत्र हैं आप? बस खड़े रही हो आप, मुझे पता है क्योंकि आप स्माइट थे तो इसलिए मैंने कहा कि मैं कुछ प्रमाण से बात करूंगा आपसे। माइक उठाइए। गलत तो नाम नहीं लिया हमने? आपने यहां किसी को नाम तो नहीं बताया था रजनीकांत जी? हाँ ऐसा नहीं हमने पूछ लिया आपसे, और छगनलाल जी का नाम तो नहीं पूछ लिया था हमने किसी से? धन्यवाद। बोलिए क्या पूछना चाहती बहन, क्या पूछना है आपको? हमने लिखा है आपकी ये प्रश्न नहीं थी, और कभी भी दरबार में जाओ मन से जाना चाहिए, नमन करके जाना चाहिए, विश्वास करके जाना चाहिए। और ये पढ़े लिखे लोगों के लिए शोध का विषय है। हमें लिखा है शांता देवी की प्रॉपर्टी संपत्ति जमीन प्राप्त होगी, भवन बनेगा, विवाद चल रहा है, हरिडाया से प्रकरण पक्ष में होगा, कोर्ट में जीत होगी 99% होगी, फिर राजीनामा होगा, रजनीकांत जी का के पक्ष में यह प्रकरण जाएगा, आशीर्वाद है। और आपके पितर देवता नाराज हैं, कोई आपके दादाजी के दादा यानी आपके पिता के पिता 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 के पिता पिता यानी कि जिसका नाम मुरारी जी हो, कौन किसका नाम है? मेरे ससुर उनके पापा जी का नाम है। इन ये प्रेत योनि में है। आपको बरहा धाम जाना है सुबह, कब जाना है? सुबह जाना है, और 11.25 किलो खाकरा प्रसाद लेके जाना है, और ये 5 लौंग के साथ गुठे हुए माठे, ठीक है, और खाकरा पूरी प्रसाद लेके आपको बरहा धाम कल जाना है। और आपकी बाधा कल सुबह से ही खत्म हो जाएगी, 2 बजे के बाद आपकी समस्या नहीं रहेगी, कुछ महीनों में आपकी समस्या अनुकूल आपके अनुकूल होगी, आशीर्वाद है जी। और बोलिए बड़े बेटे के शादी के बारे में पूछना था। उसके लिए अमावस्या अगली बार आओ और अर्जी कटवाओ। और आपने अभी अर्जी नहीं कटवाई भाई साहब, टोकन नहीं लिया आपने जी? टोकन ले लीजिएगा, ठीक है? मर्यादा और धाम की व्यवस्था को बना के रखें, मैं आपसे आशा ही करूंगा, और ये आपकी बाधा नहीं रहेगी, आशीर्वाद। धन्यवाद, ठीक है, आना है आज आप प्रणाम कर जाइए, ये नीचे रखिए बहन, चलिए जल्दी आइए, और आप बहन खड़े होइए, जाइए। इसमें कहीं चीटी लग गई है, कहीं से चीटी आ रही छोटी वाली, देख लीजिएगा रात में, ठीक है, हो गया विश्वास? माइक उठाइए। संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कितने पढ़े लिखे हैं आप? 12th सीपीएड किया है। तो आपने पर्ची क्यों नहीं कटवाई थी? हो सकता है कि कहीं से पर्ची से जान लेते हो ऐसा? पहचान वाले से आया था, फिर मैंने बोला उनको मैं नया था, फर्स्ट टाइम आया था इधर। क्या करते हैं आप? प्यार तो बहुत करता हूँ आपसे। क्या क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटिक्स में समाज सेवा करता हूँ। अच्छा, कब से जानते हैं मुझे? लास्ट 3 साल से। 3 साल से कहाँ, कैसे जानते हैं? मुलाकात हुई थी पहले? नहीं, यूट्यूब से। यूट्यूब से, धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत विश्वास करता हूँ। तो मैंने विश्वास वाली चीज दी ना आपको, मन में गुरु मनाया, मैंने सब में आपका प्रचार भी करता हूँ सूरत में। लो आशीर्वाद, सूरत से आया, ले जाइए, खुश रहो। गाड़ी चला गया है 24 घंटे, आप कल जाना, 24 घंटे पूजा पाठ करके जाना कल, ठीक है? और 11.25 किलो खाकरा। मेरा दो सवाल है। नहीं, अब माइक रख दो नीचे, और अगली बार सवाल पूरा होगा, ठीक है? नहीं बताएंगे, अलग से बताएंगे। चलिए, मैं सुनने की बात कभी नहीं बताता, मैं खुद ही लिख के बताता हूँ, खुद ही लिखता हूँ, और किसी से पहले से कोई भी जानकारी नहीं लेता, ये मेरी आदत में, यही मेरी पहचान है। चलो जाइए, 5 मिनट लगातार नंबर नहीं आ रहा हो। अच्छा, पास में आ जाओ, दिखाओ कहाँ है माइक, ये बोले नहीं रहा। हाँ, क्या कह रही थी? यहाँ पास में आओ, 5 महीने से और पास में आइए। लगातार आ रही हूँ पर आपसे मुलाकात नहीं हो रही, और पिछले महीने में आई थी, मेरा पर्स भी चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए, तो मैं वापस हो गई थी। 5 महीना में ऐसे ही हो रहा अभी से जी? मैं 10-10 दिन रुक के जा रही पर नंबर नहीं आ रहा था मेरा। फरवरी जी तो टोकन ले लेती है आज फ्री वाला?
अरे वहां बहुत भीड़ थी इसलिए मैं नहीं गई। अच्छा तुमने कही तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, अब तो लेना ही पड़ेगा टोकन। जी ले लेंगे, ले लेंगे भाई। ये अर्जी तो नियम से कटवाना है जी। अर्जी नहीं कटवाती आप? काहे की अर्जी सर गुरु जी? नहीं मैं एक टोकन लिया था 2100 रुपए का। हाँ बस बस भाई मैं चल रहा हूँ 5। भैया अर्जी कटवा लिया करो। नहीं वो बोले ना कि आपसे जब तक मुलाकात नहीं होगी तो अमावस्या की अर्जी नहीं कटेगी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, इसलिए मैंने नहीं कटवाई थी। आवाज मत करिए। हाँ तो क्या समस्या लेके आई बहन, बोलिए। मैं गुरुजी मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। कौन से बच्चों के? 2 बेटे हैं मेरे। नाम बता दीजिए। आलोक और उत्सव। आलोक और उत्सव। क्या चाहते हैं? बड़े की जॉब चाहती हूँ और छोटा वाला अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। आपने किसी को बताया तो नहीं? माइक नीचे रखिए। आलोक कुमार उत्सव की सरकारी जॉब लगी, घर का कलेश रहेगा खत्म होगा, धंधा पानी जमेगा, आद्य नाम से ही आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्थ रखें, गुरु कृपा होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करेंगे और हनुमान जी की कृपा से आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, आशीर्वाद। ये दरबार में आप देख रहे हो अपने परिचय कैसे दिखाया जाता है, यों आइस दफ्ती कॉन्टेक्ट, हमारी नजर में मत मिलाओ, लेकिन जहां भी ऐसा दिखाया जाए तो झांक के जरूर देख लेना, पसीना सूख जाएगा, क्योंकि रिक्त स्थान का खेल चलता है। ऐसे मुझे पढ़ के बता दे क्या लिखो, बताओ क्या लिखो, जहां पढ़ो माइक से बोलो। क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये बोलते क्यों नहीं कहीं कहीं, यही बोलने आते पंडोकर धाम में कि मैं दिखा दो, हम तो कहते ये रखा देख लो, धाम में तो बता दो गलत हो तो। ये पंडोकर सगा का दरबार है, इसलिए पंडोकर सगा दरबार कहता है कि अध्यात्म भी आज हुंकार भरता है। आप पढ़े लिखे हो तो हम भी बिगड़ पढ़े लिखे नहीं है, हमने भी संतों का आशीर्वाद और ग्रंथों का अवलोकन किया है, आचारों के मुखारविंद से आशीर्वाद लिया है, उनका हस्त प्राप्त है, तब मैं कहता हूं पर्चा यूं पढ़ो। समझ में आ रहा है ना? तो आपको मैं इतना ही कहूंगा कि पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बड़ा बच्चा क्या करता आपका? परीक्षा दी है। किसने? नाम हमने गलत लिखा क्या? काय की परीक्षा दी है? जी और कोई बात? लो इस मंत्र को 108 बार करो, मैं गारंटी देता हूं कि आपके सभी काम पूरे होंगे और आप करेंगे तो होंगे। माइक उठाइए, पढ़िए क्या लिखा है, ये यहां से पढ़ो, ये यहां से ओम क्लीं फट। उस गुरुजी को समझ में ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम ज्यादा पढ़े और हम कम पढ़े। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडो का सगर प्यास रखें, गुरु कृपा होगी और आपकी संपूर्ण परेशानियां मुक्त होंगी और आपके बच्चों की शासकीय जॉब होगी, आशीर्वाद है। आप पर्चे में पढ़ पा रहे हैं नाम वगैरह? कोई गलत तो नहीं लिखा है? अपन इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, बचपन में छोटी क्लास के बच्चे लिखते हैं, सिखाती माता है मैंने कि बेटा लिखो छिटवा, इतना बड़ा पूरी स्लेट पर रह जाता है। तो ऐसे ही मैं लिखता हूं, देखिए कोई कहे कि हमको दिख नहीं रहा है तो मूर्ख आदमी है कि तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो बचपन में जाइए चश्मा बड़ा लगाइए। माइक से बोलिए क्या वो कुछ बोल रही हैं? आज मैं मंदिर में बोल के आई थी कि आज यदि मेरा नंबर नहीं आएगा तो मैं कभी दरबार में नहीं आऊंगी पंडोकर में। भैया आप लोग ना बोल दियो, ये वास्तविक नंबर नहीं आएगा तो कभी आ नहीं पाओगे। आज बहुत दुखी मन से बोल के आई थी कि आज यदि मेरा नंबर नहीं आया तो मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पे। चलो भैया हनुमान जी कृपा करें और आप खुल ऐसा रख दो माइक है और जाए मंत्र कर लियो जो हमने लिख के दा हुए, और आपने कैमरा ने तो पढ़ा ही होगा, इस मंत्र को नियम से करना है, यदि करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, ये विधान नियम से करना होता है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है।
पटना बिहार में श्री पंडोखर सरकार का भव्य दिव्य दरबार के लिए वेबसाइट www.pandokharsarkar.org पर अलग अलग तीन दिनों 8, 9 और 10 अगस्त की आज से ही निःशुल्क बुकिंग कर सकते हैं। बिना बुकिंग की दरबार में एंट्री नहीं दी जाएगी। एक बुकिंग पर एक ही व्यक्ति की एंट्री होगी। दरबार में एक दिन में सिर्फ 5,000 भक्त ही बैठ सकते हैं। 5,000 भक्त हो जाने पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। शेष बचे भक्तों की एंट्री दूसरे दिन की जाएगी। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। धन्य हुआ उसका जीवन आया जो भी दरबार।